कम बजट में ज्यादा कैसे घूमे वो मुझसे सीखो। ये इसकी एंट्री है, इस साइड को, इनके दरवाजे देखो कितनी बड़ी कुंडी है, बाप रे। यहाँ पे कोई सिपाही खड़ा होता होगा, उसकी हाइट काफी लंबी होती होगी, और यहाँ से बंदूकें निकालता होगा, नजर रखता होगा हर जगह पे। और पुर्तगीज की चीज पे मैंने हाथ रख दिया। तो सारी लड़ाई समुद्र के लिए होती थी, तो भाई सबकी फाड़ देता है। आओगे तो भाई लूटने के लिए जरूर आना, यहाँ पे लूटने वाले हर कदम पे बैठे हुए हैं, लूटने के लिए जरूर आना। तो फाइनली गाइज हमारी फेरी हमारे सामने पहुंचने वाली है। वैसे एक एक करके गाड़ियां उतरेंगे और एक एक करके चढ़ेंगी, देखो ऐसे। चलो गाइज चलते हैं इसमें। तो अभी हमें उस साइड को जाना है वहां पे। तो गाइज पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये लगा फटका। तो गाइस हम लोग इसी फोर्ट में जाने वाले हैं, त्रिखोल फोर्ट में। तो फेरी से उतर चुके हैं, फ्री थी फेरी, कोई प्राइस नहीं लगा। अगर आप लोग कार से आते हैं तो 100 रुपये लग सकते हैं आपके। तो काफ़ी डिस्टेंस पे जाता है फेरी हमारा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हम लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इन्जॉयमेंट और हो गया। क्या खूबसूरत लोकेशन है देखो आप, बहुत कम लोग आते हैं इधर पे, लेकिन ज़बरदस्त। कम बजट में ज़्यादा कैसे घूमे वो मुझसे सीखो। पर इस बार हम लोग बीचेस घूमे, अगली बार फोर्ट वगैरह भी घूमेंगे, मिड गोवा भी घूमेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्ट त्रिकोल के सामने, और यहाँ पे है पार्किंग, फ़िलहाल कोई चार्जेस नहीं है, और यहाँ पर है समाधि फ्रीडम फाइटर की। तो गाइस देखो फोर्ट त्रिकोल या त्रिकोल जो भी पढ़ना आपको, हेरिटेज होटल, तो मतलब फोर्ट के अंदर ही होटल टाइप बना रखा है। एक बार विजिट कर लेते हैं, अच्छा लगे कर भाई। तो गाइस ये रहा फोर्ट त्रिकोल। अच्छा तो लग रहा है देखो, फोर्ट ये रहा, और पेड़ पौधे से काफ़ी अच्छा लग रहा है, नारियल के पेड़ हैं, काफ़ी अलग अलग पेड़ और हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है समुद्र, वाव। तो देखो अगर आपको वहाँ दिख रहा है तो उस साइड है मंदिर जिसमें हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं, वो रहा क्वेरम बीच, पूरा का पूरा क्वेरम बीच। हम लोग इस साइड से आए हैं जो कि अभी छुप गया पेड़ की वजह से। तो गाइज़ मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मालूम, अगर पता चलती है तो बताऊँगा। बस इस पोर्ट के बारे में मुझे इतना ही पता है कि ये पुर्तगीज़ एरा का है, जब पुर्तगीज़ के यहाँ पर रूल था तो उनका ये वोट हुआ करता था, बट इसको फ़िलहाल हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। तो चलो अंदर की तरफ जाते हैं, देखते हैं कैसा है। सामने एक पुराना बक्सा जैसा लग रहा है, देखो ये इसकी एंट्री है, इस साइड को, इनके दरवाजे देखो कितनी बड़ी कुंडी है, बाप रे। ये देखो कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो ये चुबा देते थे कांटे जैसे। ये अपने कई और जगह पे देखे होंगे, और इनका पुराना बक्सा देखो जिसमें सोने चांदी रखा करते होंगे, एक बड़ा सा शीशा है इस साइड को। ये जगह है, यहाँ पे लिखा भी है फोर्ट त्रिकोल हेरिटेज होटल। छः 11 1953 इरेक्टेड बाय MS संतन लोबो। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की फोटो मूर्ति बना रखी है, और कुछ ऐसा लग रहा था मतलब वो आता है कैसे भी आप। तो फोर्ट में से वो रेस्टोरेंट बना दिया, ये रूम्स है और ऊपर रेस्टोरेंट। तो रूम के क्या प्राइसेस रहते हैं इधर? वो रिसेप्शन डेस्क के, अच्छा, वो फ्लक्चुएट रहते हैं, बगीचे के नहीं रहते, जैसे बर्थडे वीकेंड्स वीकडेज थोड़ा अलग रहते हैं। तो यहाँ तक ही विजिट कर सकते हैं हम? हाँ, यहाँ ऊपर, अच्छा ऊपर, चलो ठीक है। तो गाइस जस्ट मेरे पीछे ये है चर्च, जो कि सिर्फ ओपन रहता है संडे को, या तो किसी स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे कि क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, ऐसे टाइम पे ओपन रहता है। यहाँ पे तो काई वाई भी जम रखी है, पैर वैर फिसलता है इसमें। तो सेंट एंटोनीज चर्च, अरे वह सीढ़ियाँ कैसी है इसकी, देखो पूरी काई जमी पड़ी है, पैर फिसल दे इसमें से। यह है चर्च इस साइड को, और यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, पहले पुर्तगीज का फहराया जाता था, अब इंडिया का फहराते हैं नहीं फहराते ये मुझे नहीं मालूम, बट फहराना चाहिए इंडिया का तो। और इस साइड पे देखो, यहाँ पे कोई सिपाही खड़ा होता होगा, उसकी हाइट काफ़ी लंबी होती होगी,
और यहाँ से बंदूकें निकालता होगा, नजर रखता होगा हर जगह पे। तो कुछ इस तरीके से देखो, लाल किले में भी ऐसे छेद बने रहते थे बंदूकें तोप निकालने के लिए, बट यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता होगा तो वही निकालता होगा। और बंदे की हाइट काफ़ी लंबी रहती होगी, क्योंकि मेरी हाइट से तो थोड़ा बहुत बड़ा ही है, तो तकरीबन 6 फीट हाइट वाला बंदा चाहिए उसके अंदर घुसने के लिए। और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है वो, बाहर वाला बंदा नहीं देख सकता उसको, वो कहीं से भी गोली मार सकता है। तो यहाँ से कवर देने के लिए देखो ऐसे ऐसे छेद बना रखे हैं, कोई भी अगर आक्रमण करने की सोचे तो यहीं से गोली आता होगा उस पर। अब इसमें होटल बना दिया, और काफ़ी ज़्यादा महंगा है होटल, ज़्यादातर फॉरेनर्स लोग आते हैं इधर पर खाना वाना खाने के लिए, लंच डिनर। नीचे की साइड रूम भी है, इस साइड चर्च है, बट रूम फिलहाल बंद कर रखे, बोला कि रिसेप्शन पे जाके पूछ लेना, खाना वाना खा रहे लोग तो वहाँ पे आपको नहीं ले जाऊँगा मैं। इस साइड ओपन रेस्टोरेंट टाइप है, बट फिलहाल बंद कर रखा है क्योंकि सीज़न नहीं है, 2-3 महीने बाद से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठ के आराम से आप लोग फोर्ट का भी इन्जॉय कर सकते हो, बट फोर्ट इतना ख़ास है नहीं। और सेम इस साइड भी ऐसा ही है, जहाँ पे पहले कोई सिपाही खड़ा रहता होगा यहाँ से गोलियाँ दागने के लिए, नज़र रखने के लिए। ठीक है, एंट्री सब फ्री है, ऐसा कुछ चार्ज नहीं है, वरना तो भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिर्फ होटल वगैरह के लिए ठीक है, क्योंकि पूरा सी व्यू दिखता है वहाँ से। और खाना खाने का है इधर, तो हेरिटेज होटल बना दिया ताकि देश विदेशों से टूरिस्ट ज़्यादा आएँ इधर पर, सी व्यू को इन्जॉय कर सके। और अगर चर्च खुला रहेगा संडे को या संडे के टाइम पर आए तो चर्च पर एंट्री कर सकते हो। तो चर्च बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है देखो, ऊपर की साइड से, और इस साइड है होटल। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो लोग कह रहे थे कि देखना चाहिए, तो लोग कह रहे थे कि देखना चाहिए देखना चाहिए देखना चाहिए, तो भाई देख लिया, ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा खास भी नहीं है। तो एक बार मैं चारों तरफ से दिखा दूं आप लोगों को एक बार फिर से, ये है चर्च जो संडे के दिन खुलता है, ये तो स्पेशल ओकेज़न के दिन। ये रूम्स हैं यहाँ पर, इस साइड आगे की साइड, ठीक है। और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मंडे, समझ नहीं आया मुझे क्यों लिखा हुआ है मंडे, रिसेप्शन नहीं रहा। ऊपर होटल है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, और नीचे पता नहीं क्या है, वो लंबा समझ नहीं आ रहा, टवन रेस्टोरेंट नाम है उसका शायद, प्राइवेट इधर लिखा हुआ है, और किचन इधर पे लिखा हुआ है लेकिन किचन अंदर से खाली है। इधर पे रिसेप्शन है जो कि शायद फ़िलहाल बंद है क्योंकि 2 बज गए दोपहर के, इसलिए। और यहाँ पर शीशा दिख रहा है, डाइनिंग टेबल जैसा बढ़िया लग रहा है, ये पुराने टाइम का ही होगा, पुर्तगीज़ के टाइम का, और पुर्तगीज़ की चीज़ पे मैंने हाथ रख दिया पता नहीं उनके टाइम का है या नहीं है, लेकिन होगा शायद। तो कुछ ऐसा है फोर्ट, कैमरे हर जगह लगे पड़े, यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे पड़े, जैसा कि वो देखो उधर पे कैमरे लगे हुए हैं। तो सारी लड़ाइयाँ समुद्र के लिए होती थी, और समुद्र बड़ा शांत है ऐसा कहते हैं, बट है नहीं। जब उफान पे आता है तो भाई सबकी फाड़ देता है, बट पेड़ पौधों से घिरा हुआ है ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है इस जगह को, और काफ़ी इतिहास है इसके पीछे, इस पर सारा का सारा इतिहास है पुर्तगीज़ रूल का। आगे की साइड पे आप लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब हमें लग गई भूख, अब हम जा रहे हैं कहीं खाना वाना खाने के लिए, निकलते हैं यहाँ से, खाना वाना खाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेमोरियल इज़ डेडिकेटेड इन द ऑस्पिशियस मेमोरी ऑफ ऑल दीज फ्रीडम फाइटर्स। तो ये सभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे गए हैं, इधर पे भी नाम लिखे गए हैं जिनका गोवा की आज़ादी में अहम रोल था, तो उन्हीं की वजह से गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से। तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे गए हैं, उन सभी को सैल्यूट है जो पुर्तगाली से आज़ाद करवाया, फिर इंडियन आर्मी ने जो पुर्तगालियों को धोया था उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आया, तब जाके 1962 में गोवा इंडिया का पार्ट बना, वरना उससे पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, उससे पहले ये अलग ही माना जाता था। और पुर्तगालीज आज भी इसको इंडिया का पार्ट मानने से इनकार करते हैं, बट हमारे पास हमारा गोवा है, वरना आज दूसरी कंट्री में ही आता अगर आज़ाद नहीं होता 1962 में। तो मैंने सुना है यहाँ के लोग 2 आज़ादी का जश्न मनाते हैं, एक 15 अगस्त जो कि भारत के साथ मिला था, और एक वो जब पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। तो काफ़ी जुल्म उठाते थे पुर्तगाली उन लोगों के ऊपर, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम लोग आज़ाद हो और भारत का हिस्सा बने। तो आज गोवा और बाघा बीच जैसी बीचेस हमारे पास है, वरना ये दूसरी कंट्री में आता तो हम लोगों को फिर वीज़ा लेके आना पड़ता, पासपोर्ट लेके आना पड़ता, तो ऐसा कुछ होता। बट थैंक्स टू ऑल दीज, और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके जैसे गोवा इंडिया का पार्ट बना हमारा। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम वापस से फेरी के सामने, फेरी भी उस साइड है, इस साइड आने में टाइम लग गया उसको, वेट कर रहे हैं हम लोग।
गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम के सामने। तो आज हमने देखा फोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया लंच, 120 रुपये की थाली थी, मस्त मज़ा आ गया, अच्छी जगह थी, आपको ऑलरेडी दिखा रखी थी मैंने। और अभी हम पहुँच चुके हैं रूम पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्वीट लेक की तरफ, बट ऑलरेडी उसका ब्लॉग दिखा रखा है मैंने आपको, तो बार बार स्वीट लेक दिखाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हम लोग जा रहे हैं स्वीट लेक की तरफ, फिर वहाँ से 6-7 बजे के करीब आएंगे, एरम्बल बीच पे बैठेंगे, फिर करेंगे डिनर, फिर कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। आओगे तो भाई लूटने के लिए ज़रूर आना, यहाँ पे लूटने वाले हर कदम पे बैठे हुए हैं, लूटने के लिए ज़रूर आना। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम कहीं नहीं लूटे, कहीं भी नहीं लूटे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बजट से नीचे बजट में चल रहे थे, इसलिए अगर आप लोग बजट लेके आएंगे तो आप लोग ज़रूर लूटेंगे, अगर आप लोग बिना बजट लेके आएंगे तो भी आप लोग लूटेंगे। तो इसलिए बिल्कुल नीचे से नीचे वाला बजट लेके आना, ताकि आप लोग लूटने से रहे। इसलिए हम लोग कहीं नहीं लूटे, बिल्कुल सेफ चले, हमारा हर कदम बिल्कुल सेफ चला था, इसलिए हम लोग इतने मुस्कुरा रहे हैं, अभी तक खुश हैं। वरना बंदे देखिए भयंकर एक ही दिन में रोने लग जाते हैं बीच में जाने के बाद, क्यों वो आपको मैं एंडिंग के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप लोग टेंशन मत लो, घर पहुँच जाओ ना एक बार, आराम से फुर्सत से बताऊंगा। तो गाइस ये ही एरम्बल बीच पूरा का पूरा देखो, और यहाँ से होती है असली स्टार्टिंग, बट हम लोग एंड की तरफ से आते हैं क्योंकि हमारा रूम उस साइड है। इसलिए अगर आप लोग उस पहाड़ी के उधर पर जाएंगे तो उसके पीछे की साइड है स्वीट लेक, वो आप लोग जा सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर बाद वहाँ पर जाने वाले हैं। तो कुछ ऐसा है एरम्बल बीच, थोड़ा सा साफ़ सुथरा है इस वक्त, बाकी सीज़न के टाइम पे मैं नहीं कह सकता कि कितना गंदा हो जाएगा, बट कुछ ऐसा है देखो। तो गाइस देखो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे अंग्रेज भाई के साथ, सैम भाई है। और अच्छा माहौल हो रखा है यहाँ पे, एक ये भाई अंग्रेज़। तो गाइस हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया, काफ़ी अच्छा खेला और लगभग 2-3 घंटे खेला। अब हम जा रहे हैं स्वीट लेक की तरफ। पहले हम लोग जाने वाले थे स्वीट लेक, बट हमें दो अंग्रेज़ भाई मिल गए, सैम प्लस जॉर्ज, तो उनके साथ क्रिकेट खेला और 3 घंटे लगभग खेला हम लोगों ने खाना खा के। तो अभी लगभग 7 बज चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं स्वीट लेक की तरफ, तो लगभग 8 बजे तक वापस आ जाएंगे, डिनर करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह जाना भी है।